हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसा चावल बनाने बताएंगे जिससे जो चावल सबको बहुत पसंद आएगा। जिसके लिए हम एक कटोरी चावल लिए हैं और थोड़े से इमली लिए हैं। तो चावल को पहले अच्छे से धो लेते हैं। चावल को अच्छे से धो कर भीगने के लिए रख दिए हैं। इमली को भी भीगने रख देंगे। 15 मिनट तक इसको भिंगा लेंगे, चावल को और इमली को 15 मिनट तक भिंगने देते हैं। अभी हम एक कढ़ाई को गरम किए हैं। अब हम इसमें घी डाल देंगे, 2 चम्मच घी डाल देंगे इसमें और घी को गरम होने देंगे। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने के बाद 1 टेबल स्पून चना दाल डाल देंगे और 1 टेबल स्पून उड़द दाल डाल देंगे। सबको धो लिए हैं और इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा फ्राई होने के बाद हम इसमें 1 कटोरी मूंगफली डाल देंगे। इसको भी इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। घी के वजह से मूंगफली भी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। वैसे अभी हम 3 हरी मिर्च को लिए हैं, इसको लंबे लंबे काट लिए हैं, इसको भी डाल देंगे और 1 लाल मिर्च लिए हैं, इसको भी डाल देंगे इसमें। और 1 चम्मच नमक डाल देंगे इसमें। चावल को भूनते हुए 15 मिनट हो गया है। अब हम इसमें चावल को डाल देंगे। चावल को हल्के हाथ से इस तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट करने से चावल टूट जाएगा, इसलिए हल्के हाथ से इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। 1 मिनट चावल को 1 मिनट फ्राई कर लिए हैं। अब हम उसी कटोरी से पानी डाल देंगे, उसी को जिस कटोरी से चावल लिए थे उसी कटोरी से नाप कर 1 कटोरी चावल लिए थे 2 कटोरी पानी डाल देंगे। और जो इमली भिंगो कर रखे थे उसका भी पल्प डाल देंगे इसमें, छान कर डाल देंगे इसको। और
और इसको मिक्स कर देंगे और एक उबाल आने देंगे इसमें, फिर इसका ढक्कन बंद करेंगे। चावल हल्का हल्का उबलने लगा है, अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको पकने देंगे। इसी तरह पकते हुए 7 मिनट हो गया है, अब हम इसको देखते हैं। अभी इसमें थोड़ा पानी है, अभी हम इसमें थोड़ा धनिया पत्ती डाल देंगे। और इसको ढककर 3 मिनट तक और पका लेंगे। इसको स्लो फ्लेम पर 3 मिनट और पकने देंगे। पकते हुए 3 मिनट हो गया है, अब हम देख लेते हैं। ये चावल बन गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और सर्व के लिए निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए ये चावल बन गया है, कितना सुंदर और कितना टेस्टी लग रहा है। इस चावल को किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। रायता चटनी किसी भी चीज़ के साथ ये चावल को खाइए, बहुत टेस्टी बनता है ये चावल। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये रेसिपी आप एक बार बना कर देखिए और कमेंट कीजिए कैसा बना है ये रेसिपी।